नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना शॉप, अपना कोई ब्रांड या कुछ भी लोकेशन हम गूगल मैप पे कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने गूगल मैप को ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम जो 3 डॉट्स दे रखे हैं, इसमें जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे, ऐड ए मिसिंग प्लेस। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमको जो अपनी दुकान या शॉप का नेम है उसका हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं एक मैस है हमारी, मैं उसको लिख देता हूँ, जियोज मैस। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एक तो एड्रेस लिख सकते हैं कहाँ पर है, नहीं तो हम मार्क ऑन लोकेशन मैप कर देंगे। ये फ्रेंड्स, ये मुझे यहाँ पे दिखाना है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये वाला। और मैं ज़्यादा उसके लिए मैं इसको सैटेलाइट मोड पे ले लेता हूँ, जिससे मुझे दिख जाएगा कि हाँ मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जहाँ पे लोकेशन मुझे दिखानी है, और इसको जूम कर सकते हैं अच्छी तरह। ये वाला नहीं है, ये वाला हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ और ओके कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, ये पूछेगा आपसे कैटेगरी कौन कौन सी है इसमें। शॉपिंग, बाहर, सुपरमार्केट, क्लोथिंग शॉप, हॉस्पिटल, बैंक, पेट्रोल पम्प, एयरटेल, होटल, एटीएम, होटल, ऑफिस लिख देते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, देखो फ्रेंड्स, इसमें हम दे देते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस। उसके बाद यहाँ से जो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये इनमें पूछ रहा है कि इसमें से आपका कोई है तो नहीं। एक सेकंड, मैं दोबारा, ये नीचे और एक ऑप्शन रहता है, इसमें आपकी शॉप है तो आपसे पूछेगा कौन कौन से दिन आपकी ओपन रहती है। और नीचे ये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं सपोज इसको कर देता हूँ, ये नेक्स्ट कर दिया। ये टाइमिंग पूछ रहा है कितने बजे से कितने बजे तक रहती है, 8 AM, तो हम 6 PM कर देते हैं इसको, ये कर दिया, फिनिश कर दिया। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर देना है, कोई वेबसाइट है, कोई लिंक है, इसमें लिखना है कब शॉप आपकी कब से खुली है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और आपके पास कोई फ़ोटो है तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, मैं आपको बस एक दिखा बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेंडिंग में आएगा। अब ये दिखा रहा है कि उस लोकेशन में इनमें से तो आपका कोई ऑफिस नहीं है, अगर इनमें से है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, उसी को कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट एनी वे पे क्लिक करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। और इसमें ये दिखा रहा है कि आपका अर्न पॉइंट आ गया। तो फ्रेंड्स, ये आपको कुछ दिन बाद आपको मैसेज आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या क्या करा है। आप इसमें कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, ये 3 में जाएंगे दोबारा। यूअर कंट्रीब्यूशन में जाने के बाद आप एडिट में जाएंगे तो आपको ये देखो फ्रेंड्स दिखा देगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव्ड कुछ दिन बाद अगर हो जाएगा तो। नोट अप्लाइड आ रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, हम इसमें जाके हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये पहले करे हैं अप्रूव्ड करके ये आ गया है, तो ऐसे ही इसमें हमारा अप्रूव्ड आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये मैंने अपना एक डाला था योर कंट्रीब्यूशन में, आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि हम अपने बिजनेस को फिर अगर सपोज हमारा ही काम है तो उसके लिए और आगे क्या करना है। इससे आपको एक फ़ोन आएगा गूगल से, वो आपसे वेरीफाई करेगा। वो कब वेरीफाई करेगा, सपोज ये हम ये हमारा कोई लोकेशन है या कोई बिजनेस जो हमने अप्रूव करा है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है क्लेम दिस बिजनेस, तो उसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे जब हम इसको ऊपर करेंगे तो जो ये आ रहा है क्लेम दिस बिजनेस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये कुछ पूछेगा, कुछ वेरीफाई करेगा किस नाम से है, कब से है,
अब इसको हम आगे नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे। तो इसमें हमारा करने के बाद हमको हमारा कुछ दिन में ये वहाँ से हमारा फ़ोन आएगा और हमसे पूछेगा गूगल वाला सर कि आपका ये हमने अप्रूव कर दिया है और आप अब आपको क्या करना है, वो आपको एक लिंक भी देगा बट मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको करना क्या है। उसके लिए आपको जिस मेल आईडी से आपने करा है उसी फ़ोन में आपको एक गूगल माई बिजनेस या माई बिजनेस करके एप्लीकेशन स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है। ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माई बिजनेस करके जो ये आ रहा है ये वाला, इस सॉफ्टवेयर का आपको इंस्टॉल करना है और इसके बाद आप इसमें जो नाम चेंज करना चाहें वो जो करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेस आपने ऐड करा हो उसी को आप कर सकते हैं, बस बट इतना कहने की बात है कि जो आपका बिजनेस है उसको आप क्लेम कर रहे हो कि भाई ये मेरा काम है, इसको मैं करता हूँ, तो उसको आपको क्लेम करना है। तो उसके लिए आप वेरीफाई करेगा गूगल, फिर आपको परमिशन देगा कि हाँ इस मेल आईडी से आप उसको हैंडल कर सकते हो उस बिजनेस को। जैसे मेरे साउंड का काम है तो मैं इसको इसमें यहाँ से मुझे कुछ पोस्ट डालनी है, कुछ फ़ोटो डालने हैं, मुझे यहाँ पे पता चलता रहता है कि मेरे कितने व्यू हुए हैं, कितनों ने सर्च के थ्रू करा है, मैप में कितनों ने देखा है, कितनी सर्चेज आए हैं। मैं यहाँ से अपना चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, दूसरा भी मेरा ये है इसमें कर सकते हैं, बट मैं इसको एडिट भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ प्रोफाइल में जाके। तो फ्रेंड्स आप इससे पूरा अपडेट ले सकते हैं अपने इसके बारे में। ये रहा मैंने जो डाल रखा, मुझे रिव्यू मिलते रहते हैं कि इसने क्या बोला क्या नहीं, नोटिफिकेशन भी आती रहती है। आप इसमें जो कुछ ऐड करना चाहें आप वहाँ पे ना जाके फिर आपको हैंड टू हैंड आप इसको अपडेट करते रह सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ फैसिलिटी है कि आपका बिजनेस है वो कहाँ कहाँ होगा, जो मैंने अपना लिख रखा है उसी हिसाब से सर्च ऑप्शन में आता है। काफ़ी अच्छा फीचर है फ्रेंड्स और इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये चीज़। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई शिकायत है सुझाव है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।